नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा का लेक्चर नंबर 59 यानी 59वां लेक्चर करने जा रहे हैं। देखिएगा, जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर अपने हर्डवानिया के बारे में पढ़ा था, जो कि यूरो कोर डेटा का क्या था, सदस्य था। यूरो कोर डेट हमने इसलिए बोला था उसको क्योंकि उसके टेल के अंदर जो है नोटोकोड पाई जाती है। आज अपने इस कोर डेटा के अंदर नया एनिमल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस स्टोमा, या जिसको हम एम्फियोक्सिस भी कहते हैं, एम्फियोक्सिस, और जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता था लेंसीलेट। क्या कहा जाता है? लेंसीलेट। तो अपने ब्रेंकियोस्टोमा एम्फियोक्सिस या जिसको लेंसीलेट कहते हैं, अपने उसके आज अपने बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने बात ये है कि जो आज अपने एम्फियोक्सिस एनिमल पढ़ने जा रहे हैं ये सेफेलोकोर्डेट एनिमल है। अभी तक अपने पढ़ा था यूरोकोर्डेट एनिमल, तो यूरोकोर्डेट एनिमल के अंदर क्या है, कोर्डेट का करैक्टर तो है परंतु वो किसके अंदर पाया जाता है, केवल उसकी पूंछ में पाया जाने वाला करैक्टर है। और तो देखिएगा कि ब्रेंकियोस्टोमा जो है सेफेलोकोर्डेट का सदस्य है, सेफेलोकोर्डेट जो एनिमल्स होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है कि सेफेलोन का अर्थ होता है, जो सेफेलोन का अर्थ होता है सिर, और कोर्ड यानी रज्जू, यानी अपने बात करें सिर और कोर्ड का मतलब क्या होता है, रज्जू। क्योंकि हम क्या मान रहे हैं कि जो कोर्डेट एनिमल है उनका मेन करेक्टर क्या है, नोटोकोर्ड का पाया जाना। अब नोटोकोर्ड इनके अंदर पाई जाती है जो कि कहाँ, सिर भाग के अंदर पाई जाती है। अब देखिएगा इसके अंदर यदि हम बात करें तो यूरोकोर्डेट के अंदर केवल टेल अवस्था में मौजूद थी, और वो भी किसके, उसके लार्वा अवस्था में, जबकि सेफेलोकोर्डेट एक ऐसे कोर्डेट एनिमल हैं जो कि मछली के समान समुद्री जंतु हैं, और इनके सिर से लेकर के पूंछ तक क्या पाई जाती है, नोटोकोर्ड पाई जाती है, रज्जू पाई जाती है, इसलिए इनको सेफेलोकोर्डेट एनिमल कहा जाता है। अब देखिएगा कि इन जंतुओं की यदि हम बात करें तो इसके अंदर लार्वा अवस्था तो पाई जाती है परंतु इनकी जो वयस्क अवस्था है उनमें नोटोकोर्ड पाया जाना, नरोकोर्ड पाया जाना और गिल स्लिट पाया जाना, ये तीनों करैक्टर जीवन पर्यंत पाए जाते हैं, इसलिए इन जंतुओं को हम सेफेलोकोर्डेट एनिमल्स कहते हैं। और जो कि हम ये कह सकते हैं ऐसे प्रिमिटिव कोर्डेट हैं जिनके अंदर यदि हम वयस्क अवस्था में अध्ययन करें तो ये अपने समझने की दृष्टि से, या इनको मतलब कोर्डेट को समझने की दृष्टि से एक अच्छा उदाहरण है। कौन से जंतु? सेफेलोकोर्डेट जंतु, क्योंकि इनको जो वैज्ञानिक है ये कोर्डेटा का ब्लूप्रिंट मानते हैं। इनको क्या मानते हैं? कोर्डेटा का ब्लूप्रिंट। क्यों? क्योंकि यूरोकोर्डेट के बाद में जो सेफेलोकोर्डेट एनिमल है इनके जीवन पर्यंत नोटोकोर्ड, नरोकोर्ड और ग्लिस तीनों करेक्टर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें कि जो ये जंतु ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस जिसको हम लेंसियोलेट कहते हैं, या तीक्ष्ण दंत या लेंसिट भी कहते हैं, यानी इसका अगर हिंदी में नाम कह सकते हैं दुमुई छुरी, तीक्ष्ण छुरी, ये सारे इसके क्या जनरल नाम है जो अपने आगे डिस्कस करेंगे। तो सामान्य भाषा में इसको ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस भी कहा जाता है। इसके बारे में सबसे पहले जो वर्णन किया था वो पेलास ने किया था, एम्फियोक्सिस या पेलास ने 1778 में इसका सबसे पहले वर्णन किया था, किसका? एम्फियोक्सिस का किया था। किसने? पेलास ने, कब? 1778 के अंदर। और जब इन्होंने इसको खोजा या इसका वर्णन किया तो इन्होंने इसको स्लग सोचा, स्लग यानी मोलस्क का जो है वो नाम इसका रखा लाइमेक्स लेंसियोलेट, ये इसका नाम रखा था। और क्या समझा इसको? स्लग। किसका सदस्य था ये? माना इसको मोलस्का का, यानी कि इन्वर्टिब्रेट यानी नॉन कोर्डेट माना इसको। क्या माना इसको? न२ कोर्डेट। किसने? पेलास ने, जब 1778 में इसकी खोज की थी एम्फियोक्सिस की, तो उस समय इसका नाम रखा था लाइमेक्स लेंसियोलेट
लेंसुलेट का मतलब तो दो मुई छुरी होती है या तीक्ष्ण छुरी होती है। तो लाइमैक्स जो है ये हम स्लग के लिए यूज करते हैं जिनस, और स्लग को किसमें रखा गया, मोलस्का के अंदर रखा गया है। अब यदि वर्तमान में देखा जाए तो इसके अंदर नोटोकोड, नरोकोड और गिल स्लिट तीनों करेक्टर पाए जाते हैं। इसलिए पैलास ने जो इसको वर्गीकृत किया था मोलस्का में वो क्या था, गलत था। उसके बाद में कोस्टा नामक एक इतालवी वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसका देखा क्या कि इसके अंदर कोर्डेट के करेक्टर पाए जाते हैं। कोस्टा ने 1834 में, कोस्टा ने 1834 में इसको बताया कि ये क्या है, कोर्डेट जंतु है। कैसा जंतु है, कोर्डेट जंतु है। इन्होंने देखा कि इसमें नोटोकोड, नरोकोड और गिल स्लिट तीनों करैक्टर पाए जाते हैं। गिल स्लिट ये तीनों करैक्टर इसमें पाए जाते हैं। किसने बताई ये बात, कोस्टा ने 1837 में। तब इसका नाम रख दिया ब्रैंकियोस्टोमा लेंसुलेट, ब्रैंकियोस्टोमा, क्या नाम रखा इसका, ब्रैंकियोस्टोमा लेंसुलेटम। ये नाम किसने रखा, कोस्टा ने। उसके बाद में आगे इसके और अधिक वर्णन हुआ या इसका अध्ययन हुआ तो येरेल 1836 थे, उन्होंने क्या किया, इसका नाम एम्फियोक्सिस लेंसुलेटम रख दिया। येरेल 1836 में उन्होंने क्या किया, इसका नाम एम्फियोक्सिस लेंसुलेटम ये नाम रख दिया। तो पैलास 1778 जिन्होंने इसको क्या माना था, मोलस्का यानी नॉन कोर्डेट यानी नोटिवेट एनिमल माना था जब इसकी खोज हुई थी 1778 में। और सबसे पहले वर्णन भी पैलास ने किया था। उसके बाद कोस्टा जे इन्होंने सबसे पहले इसके कोर्डेट जंतु की करेक्टर नोटोकोड, नरोकोड और ग्लिसलेट को तीनों को देखा। और कोस्टा ने 1834 में इसका नाम भी क्या रखा, ब्रैंकियोस्टोमा लेंसुलेटम। उसके बाद में 1837 में येरेल आई येरेल ने क्या किया कि इसका नाम जो था एम्फियोक्सिस लेंसुलेटम रख दिया नाम। तो इस प्रकार से इसका क्या है कि जो खोज है वो हुई है। अब इसका यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि हम बात करें इसका फाइलम, फाइलम इसका कोर्डेटा है, ग्रुप इसका एकरिनेटा है। फाइलम इसका क्या है, कोर्डेटा, ग्रुप इसका एकरिनेटा, एकरिनेटा। उसके बाद में यदि हम इसके सब फाइलम देखें, सब फेलोकोर्डेटा, सब फाइलम सेफेलोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा इसका क्या है, सब फाइलम। क्लास इसकी लेप्टोकोर्डी, क्लास लेप्टोकोर्डी, क्लास क्या इसकी, लेप्टोकोर्डी। और इसकी फैमिली जो है ब्रैंकियोस्टोमिडी, फैमिली कौन सी है, ब्रैंकियोस्टोमिडी, ब्रैंकियो स्टोमिडी। और जिनस एम्फियोक्सिस के तो चाहे ब्रैंकियोस्टोमा के तो एक बात है, एम्फियोक्सिस और स्पीसीज लेंसुलेटम, इसका क्या क्लासिफिकेशन है। अब देखिएगा हमने इसको कोर्डेटा में रखा है, तो कोर्डेटा में रखने का कारण तो आपको पता ही है कि इसके अंदर क्या पाई जाती है, नोटोकोड पाई जाती है। अभी मैंने बताया था क्या पाई जाती है इसमें, नोटोकोड पाई जाती है। नोटोकोड के अलावा इसमें नरोकोड भी पाई जाती है और गिल स्लिट, ये तीनों करैक्टर इसमें वैश्विक अवस्था में भी पाए जाते हैं। इसलिए एक प्रिमिटिव कोर्डेट एनिमल है जो कि मछली के समान है और जिसका हमें अध्ययन करने में क्या रहती है, आसानी रहती है। कि कोर्डेट को यदि समझना है तो सबसे सरल प्रकार का जंतु है ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस। उसके अलावा ग्रुप एकरिनेटा की बात करें, ए का मतलब एब्सेंट, क्रेनियम का मतलब बताया हुआ है क्या, सिर या कपाल, एटा का मतलब धारण करना, यानी जंतुओं में सिर या कपाल एब्सेंट होता है, सिर या कपाल अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है क्या, एकरिनेटा की बात अगर हम करें। उसके बाद में इसकी सेफेलोकोर्डेट, तो सेफेलोकोर्डेट की यदि हम बात करें तो सेफेलोन का अर्थ होता है सिर। अब हमने बात कहा कि इसके अंदर सिर का मतलब यहाँ रोस्ट्रम से है, सिर का मतलब क्या, रोस्ट्रम से है या अगर सिरे से है, सिर का मतलब क्या है, तुंड या रोस्ट्रम या अगर सिरा है जो है, यहाँ पर क्या इसका, तुंड या रोस्ट्रम है,
क्योंकि आप सोचोगे कि हमने ये बोला है कि सिर या कपाल अनुपस्थित होता है, परंतु सेफेलोन का अर्थ क्या होता है, सिर या कपाल होता है, और कोर्ड का मतलब होता है रज्जु, हेटा का मतलब होता है धारण करना। यहाँ सिर एब्सेंट है, तो सिर एब्सेंट है तो सिर के एक समान इसमें तुंड उभरा हुआ भाग होता है, जिसको हम इंग्लिश में रोस्ट्रम कहते हैं, वो पाया जाता है। और कोर्ड का मतलब क्या होता है, रज्जु, कोर्ड का मतलब क्या होता है, रज्जु, एटा का अर्थ होता है धारण करना। अब इसमें क्या होता है कि हम डायग्राम जब बनाएंगे हैं इसका अभी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, तो इसके अंदर देखेंगे कि इसका जो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा देखें, प्रयास करें, इस तरह से इसका होता है क्या शरीर, अपने पूरा डिटेल में इसको करेंगे डिस्कस। तो इसके अंदर यहां पर ये भाग क्या कहलाता है, इसका रोस्ट्रम कहलाता है, शरीर के ये भाग क्या कहलाता है, रोस्ट्रम। तो रोस्ट्रम के अंदर क्या होता है, इस प्रकार से अगर सिरे से पश सिरे तक नोटोकॉर्ड पाई जाती है, क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ये हमने क्या बनाई इसकी नोटोकॉर्ड। तो ये नोटोकॉर्ड देखिएगा, इसके अंदर सिर नहीं कह सकते इसको हम, ये इसका भाग क्या कहलाता है, रोस्ट्रम या तुंड कहलाता है, ये उभरा हुआ जो भाग है। तो उभरा हुआ भाग जो है इसके अंदर चूंकि ये नोटोकॉर्ड मौजूद है, इसलिए इसको किसमें रखा गया, सेफेलो कॉर्डेटा के अंदर रखा गया है। तो ये इसका क्या क्लासिफिकेशन है, क्लास इसकी लेप्टोकॉर्डी है, फैमिली इसको ब्रैंकियोस्टोमेडी है, जीनस इसका एम्फियोक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा भी कह सकते हैं, गलत नहीं है, ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा जो है ये और एम्फियोक्सिस एक दूसरे के पर्यायवाची माने गए हैं। और स्पीसीज कौन सी पढ़ रहे हैं, लैंसुलेटम। अब लैंसुलेटम को सामान्य भाषा में हम कहते हैं दो मुई छुरी या तीक्ष्ण छुरी, जिसका अपने आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा कि इसके जो सामान्य नाम हैं, सामान्य नामों की यदि हम बात करें तो इसको हम एम्फियोक्सिस क्यों कहते हैं, एम्फी का अर्थ क्या होता है, उभय, एम्फी का अर्थ क्या होता है, उभय, ऑक्सिस का अर्थ होता है तीक्ष्ण या नुकीला, तीक्ष्ण या नुकीला। अब देखिएगा ये इसका अगर सिरा है, ये कौन सा है, पश्च सिरा है, तो अगर और पश्च सिरा दोनों ही आप देख रहे हो कि ये छुरी की तरह के एकदम या चाकू की नोक की तरह के एकदम या भाले की नोक की तरह के एकदम तीक्ष्ण हैं, नुकीले हैं, इसलिए इसको एम्फियोक्सिस कहा गया है। और दैन लैंसुलेट का मतलब भी क्या है, तीक्ष्ण छुरी होता है हिंदी में, क्या अर्थ होता है, तीक्ष्ण छुरी होता है। और इसको दो मुई छुरी भी क्यों कहा गया, क्योंकि इसका अगर सिरा और पश्च सिरा दोनों ही क्या है कि ये कह सकते हैं कि छुरी नुमा होते हैं या भाले नुमा होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, अगर और पश्च पश्च दोनों सिरे क्या है, छुरी नुमा होने के कारण इसको दो मुई छुरी कहा गया है। तो इसलिए इसको एम्फियोक्सिस यानी उभय, तीक्ष्ण या नुकीला, ऑक्सिस का अर्थ क्या है, तीक्ष्ण या नुकीला, और एम्फी का अर्थ क्या है, दोनों, तो या उभय, यानी इसका अगर और पश्च दोनों ही क्या है, बाल्य की तरह या छुरी की तरह नुकीले होते हैं, इसलिए इसको क्या नाम रखा गया, एम्फियोक्सिस। और द लैंसुलेट का मतलब क्या होता है हिंदी में, तीक्ष्ण छुरी। और तीक्ष्ण छुरी आप देख सकते हो, इसका अगर सिरा भी तीक्ष्ण है और पश्च सिरा भी क्या है, तीक्ष्ण है। और दो मुई छुरी का मतलब भी क्या मतलब है, अगर और पश्च सिरा दोनों ही क्या होते हैं, इसके तीक्ष्ण होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, दो मुई छुरी कहा गया। इसके अलावा जो लॉ ऑफ प्रायोरिटी जो होती है, उस नियम के हिसाब से इसका नाम क्या रखा गया था, ब्रैंकियोस्टोमा रखा गया, परंतु इसको सामान्य भाषा के अंदर एम्फियोक्सिस नाम रखा गया है। और एम्फियोक्सिस का अर्थ मैंने बता दिया आपको, क्या अर्थ होता है कि दोनों सिरे जो होते हैं इसके तीक्ष्ण या नुकीले होने के कारण इसको एम्फियोक्सिस कहा गया है। अब देखिएगा इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम करें तो ये इसके सामान्य नाम हो गए जो आपको याद रखने हैं, क्यों कहा गया है, आपको समझ में आ गया होगा ये नाम। अब हम बात करें इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें तो इसकी लगभग 9 जातियां पूरे संसार में पाई जाती है। कितनी जातियां पाई जाती है इसकी, 9 जातियां पूरे संसार में पाई जाती है, पाई जाती है। कितनी जातियाँ होती है, 9 जातियाँ पाई जाती है, जो कि गर्म समुद्रों में भूमध्य सागर में ज़्यादातर पाई जाती है। उसके अलावा चीन और जापान के जो तट है वहाँ पर मोस्टली ये पाई जाती है। भारत में जो इसकी जो जातियाँ हैं वो ब्रैंकियोस्टोमा इंडिकम, ब्रैंकियोस्टोमा पेलिजिकम और ब्रैंकियोस्टोमा सेरेबियस, ये 3 जातियाँ क्या है इसकी भारत में पाई जाती है। और चौथी जो जाति है वो कौन सी है, ब्रैंकियोस्टोमा लैंसुलेटम, ये 4 जातियाँ इसकी भारत के अंदर पाई जाती है। तो ब्रैंकियोस्टोमा इंडिकस, ब्रैंकियोस्टोमा इंडिकस, पहले स्पीशीज कौन सी, ब्रैंकियोस्टोमा इंडिकस, दूसरी ब्रैंकियोस्टोमा पेलिजिकम, ब्रैंकियोस्टोमा पेलिजिकम, ब्रैंकियोस्टोमा पेलिजिकम, ब्रैंकियोस्टोमा लैंसुलेटम और ब्रैंकियोस्टोमा सेरेबियम,
ब्रैंकियोस्टोमा, सेरिबियम और ब्रैंकियोस्टोमा लेंसुलेटम, ये चार जातियां इसकी भारत में पाई जाती है। इंडिकस जाति पेलिजिकम और सेरिबियम और लेंसुलेटम, ये चार जातियां भारत में पाई जाती है। और पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में कितनी जाती हैं? 9 जातियां, जो कि गर्म जो महासागर हैं, भूमध्य सागर है, वहाँ पाई जाती है। चीन और जापान के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर ये पाई जाती है। तो ये इसकी क्या है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये अपने इसकी जो सामान्य सामान्य बातें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद में अब बात करें इसके हैबिट और हैबिटेट की। तो हैबिट और हैबिटेट की देखें, बात करें इसकी, स्वभाव और आवास। स्वभाव और आवास की हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये जो है, जो समुद्र जो क्षेत्र होता है उसके जो तटीय क्षेत्र होते हैं, किनारे के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाया जाता है। ये बात अपने अभी की थी कि चीन और जापान के तटीय क्षेत्रों में मोस्टली ये पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, जो तट की गिल्ली मिट्टी होती है वहाँ पर ये बिल बना करके रहता है। अब बिल बना करके रहता है तो इसके अंदर क्या होता है कि आवश्यकता पड़ने पर ये जल के अंदर तैर भी सकता है। आवश्यकता होने पर क्या, ये जल के अंदर तैर भी सकता है। और मोस्टली ये क्या है कि बिल के अंदर क्या होता है कि ये यू आकार का बिल बना के रहता है। यू आकार के बिल में क्या होता है कि इसका जो अग्र सिरा है, जो कि यूँ कह सकते हैं कि जिधर की ओर इसका मुख होता है, वो सिरा क्या मिट्टी से बाहर निकला रहता है और जो और शेष भाग है वो यू आकार के बिल में दबा रहता है। उसके बाद में ये जो शरीर के अंदर पेशियाँ पाई जाती हैं जिनको मायोटोम्स कहते हैं, तो मायोटोम्स की सहायता से क्या करता है, ये रात्रि के समय जो है उस बिल से बाहर निकल करके या उस गिल्ली रेत से बाहर निकल के ये जल के अंदर तैरता है, अपने शिकार करता है। उसके अलावा ये क्या करता है कि जब इसको यदि डिस्टर्ब किया जाए तो डिस्टर्ब करने से क्या होता है, ये अपनी पेशियों को एकदम संकुचित करके स्थित करता है और अचानक बिल से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है और पानी के अंदर कुछ समय के लिए तैरता है। उसके बाद में वापस क्या करता है, अपने मुख भाग को ये मिट्टी के अंदर घुसेड़ करके वापस यू आकार का बिल बनाते हुए अगर सिरे से क्या निकल जाता है, वापस बाहर निकल जाता है। तो ये इसके क्या शरीर की विशेषता है। उसके अलावा ये एक फिल्टर फीडर एनिमल होता है। क्या होता है, ये फिल्टर फीडर एनिमल होता है। फिल्टर फीडर का मतलब ये होता है कि इसका हम देखेंगे कि इसका जो जहाँ से भोजन ये लेता है, मुख द्वारा लेता है भोजन, तो मुख द्वारा जलीय स्थिति में भोजन लेता है, जल के साथ भोजन को लेता है, तो उस समय जल को छानने का काम करता है, भोजन को छानने का काम करता है, जिसके लिए इसके अंदर सीलिया लगी होती हैं और साथ में इसके अंदर जल का मूवमेंट मुंह की ओर बनाए रखने के लिए इसके अंदर एक व्हील ऑर्गन पाया जाता है, जिसको भी अपने डिस्कस करेंगे। तो व्हील ऑर्गन और वो सीलिया मिलकर के और साथ में इसकी बक्कल कैविटी और इसके अंदर एक विलंब भाग होता है जिसको आंतरिक मुख भी कहते हैं, वहाँ भी सीलिया लगे होते हैं, तो वो सीलिया सारे मिलकर के क्या करते हैं, भोजन को छानते हैं और जो भोजन इसके काम में लेने योग्य नहीं है उसी को वहाँ से मुख द्वार द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस कारण इसको सीलियरी फीडर एनिमल भी कहा गया है। उसके अलावा इसके अंदर जो नर और मादा जंतु जो होते हैं वो पृथक पृथक होते हैं। पृथक यानी नर अलग होता है, मादा अलग होती है और दोनों ही जो है अपने शुक्राणु और अंडाणुओं को क्या करते हैं, जल के अंदर छोड़ते हैं। और इसके अंदर जो है निषेचन कौन सा होता है, बाह्य होता है। और उसके अलावा इसके अंदर जो है परिवर्धन वो अप्रत्यक्ष होता है और इसके कारण इसके अंदर लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो ये इसका क्या स्वभाव और आवास है। तो अपने बात करें सबसे पहले ये समुद्र के तटीय क्षेत्रों में, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में बिल बनाकर रहता है, रहता है। और बिल कैसा आकार का होता है, यू आकार का बिल होता है, यू आकार का बिल बनाता है। कैसे बनाता है, थोड़ा मैं अभी आपको डायग्राम से बताता हूँ, बनाता है। उसके अलावा रात्रि के समय इन बिलों से बाहर निकलकर तैरते हुए शिकार करता है। कब, तैरते हुए। और जिसको डिस्टर्ब करने पर अपनी
पेशियों की सहायता से अचानक बाहर निकलकर तैरता है और पुनः अपने अग्र सिरे से यू आकार का बिल बनाकर मिट्टी में घुसा हुआ रहता है। कैसे इसको अपने अगर थोड़ा डायग्राम से देखें तो ये इस प्रकार से होता है। इसमें इसका व्हील ऑर्गन जो है वो क्या होता है, इसका यूज में लिया जाता है साथ में। इस प्रकार से अगर हमने इसका थोड़ा डायग्राम बनाए तो इस तरह से ये बिल बनाकर, ये इसका अग्र सिरा है। ये कौन सा सिरा होता है, इसका अग्र सिरा। ये माउथ वाला भाग होता है इसका। तो इस प्रकार से पूरा, अगर इसका थोड़ा अपने डॉटेड डायग्राम बनाए तो मिट्टी के अंदर यूँ पड़ा जाता है ये, इस तरह से ये बिल हो गया। मान लें अपने पूरा ये अपने पूरा बिल बना लेते हैं अंदर तक, गहराई तक। इस तरह से अपनी जगह देख रहे, थोड़ा सा अपने यूँ रहता है ये, इस तरह से पड़ा रहता है। इस तरह से तो ये मिट्टी हो गई, मिट्टी वाला एरिया हो गया। तो यहाँ से ये बिल बनाना शुरू करता है और ये जो ऑर्गन होता है इसका, जो तीक्ष्ण शिरा होता है, ये इसको इस काम में उपयोगी होता है। साथ में पेशियाँ जल्दी से ये क्या करता है, मिट्टी को हटाता जाता है और गिल्ली मिट्टी होती है तो उससे यहाँ से अगर सिरे से घुस करके अपने आप को बिल बनाते हुए इस तरह से क्या निकाल लेता है, अगर सिरे को थोड़ा बाहर निकाल देता है और जो बॉडी का जो भाग होता है उसको इस बिल के अंदर, यू आकार के बिल के अंदर अपने आप को स्थित रखता है। तो ये इसका क्या रहता है, बिल बनाने का तरीका रहता है। उसके अलावा ये जो है जो फिल्टर फीडर एनिमल है, नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये फिल्टर फीडर एनिमल है। ये क्या है कि फिल्टर फीडर एनिमल है जो कि भोजन को क्या करता है, छान करके लेता है और भोजन के रूप में ये जो जलधारा के साथ आए प्लैंकटोनिक जो एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं। किसको खाते हैं, जो पलवक होते हैं, ये पलवकों को खाता है। खासकर जो जू प्लैंकटन होते हैं उनको ये क्या करता है, खाता है। तो ये इसका क्या, फिल्टर फीडर एनिमल होने का क्या है ये फायदा है, जिसमें क्या होता है कि ये क्या, जो उपयोगी भोज्य पदार्थ है उन्हीं को खाता है और जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनको मुंह द्वार से क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। इसके कारण इसको फिल्टर फीडर एनिमल कहा गया। इसके अंदर इसके सीलिया जो हैं वो यूज़ होते हैं। उसके अलावा जो इसके अंदर जो ओरल सीरी होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसके अंदर यूज होते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें कि जल जो है, अब देखिएगा कि यहाँ पर हम दो बात अब करना चाहेंगे कि इसके अंदर भी क्या है कि हर्डमानिया की तरह एट्रियल कैविटी पाई जाती है फेरिंग्स के चारों ओर, क्या पाई जाती है, या फेरिंग्स के बाहर की ओर क्या होती है, एट्रियल कैविटी होती है। अब एट्रियल कैविटी आपको अगर वहाँ पर ध्यान हो तो एट्रियल कैविटी एट्रियल पोर से बाहर निकलती है, क्या कहाँ खुलती है, एट्रियल पोर से बाहर खुलती है, या एट्रियल पोर की सहायता से क्या खुलती है, बाहर खुलती है। तो अब देखिएगा इसके अंदर क्या होता है, जो मुख जो जल होता है वो मुख में जाता है और मुख की सहायता से आगे वो फेरिंक्स में जाता है। फेरिंक्स में आपको पता है गिल स्लिट होंगे और गिल स्लिट से जो जल है वो तो क्या होता है, एट्रियल कैविटी में आ जाता है और एट्रियल कैविटी से वो जल जो है वो एट्रियल पोर से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है और एट्रियल पोर जो है इसके वेंट्रल पोजिशन पर पाया जाता है। उसके बाद में हर्डमानिया की तरह इसकी जो फेरिंग्स होती है उसके अंदर भी सीलिया लगे होते हैं। वो सीलिया क्या करते हैं कि भोजन को अंदर रोके रखते हैं और जो ठोस भोज्य पदार्थ है उनको आगे फिर इंटेस्टाइन की ओर भेजा जाता है। इंटेस्टाइन के अंदर सीलिया का एक विशेष मूवमेंट होता है जो अपने आगे देखेंगे। तो वो इलियोकोइलिक सीलिया होते हैं साथ में, वो सीलिया क्या करते हैं, इसको इंटेस्टाइन में गोलाकार या साइक्लिक रूप में घुमाते हैं, जिससे भोजन का क्या होता है, पाचन पूर्ण होता है। उसके बाद में जो है
जो अपचित अपचित भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है अंतर के द्वारा, और अपचित भोजन को क्या किया जाता है, एनस की सहायता से शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि जैसे हर्डमानिया के अंदर क्लोइकल अपर्चर मौजूद था, यहाँ पर क्लोइकल अपर्चर नहीं होता है, यानी हर्डमानिया के अंदर जो एट्रियल पोर था वो जल को भी बाहर निकाल रहा था और साथ में जो अपशिष्ट भोज्य पदार्थ है, अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थ है, शुक्राणु अंडाणु, उनको बाहर निकाल रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एट्रियल जो पोर है वो बाहर अलग होता है, और जो कि केवल और केवल मिड वेंट्रल पोजीशन पर पाया जाता है, जबकि जो इसका एनस जो होती है वो इसके पश्च सिरे की ओर पाई जाती है। तो ये जो एनस जो होती है वो अपशिष्ट भोज्य पदार्थ को बाहर निकालती है, जबकि जो एट्रियल पोर जो होता है वो जल को बाहर निकालने का क्या करता है, काम करता है। तो दोनों छिद्र इसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग खुलते हैं, जिनको अपने कल डिस्कस करें, कल इसकी संरचना को देखेंगे और जो इसका स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी है, उसको अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।